याद करिए 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था, उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। ये सभी लोग निकल पड़ते थे। महाभारत का कोई रिश्ता नहीं छूटता था जो वसूली में नहीं निकलता हो। कहीं शकुनी मामा निकलता था, कहीं दुर्योधन भांजा निकलता था, कहीं कोई दुशासन निकलता था और कहीं पर कोई भतीजा निकल पड़ता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के जीवन के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी जेल। प्रदेश में पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती की प्रक्रिया होगी और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। 10 वर्षों में 2 लाख भर्ती नहीं हो पाई थी, हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति दी, तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षण दाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए।